बुध शनि से ग्रस्त है, सत्ता सत्ता पक्ष है, यानी जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगी। मिलेगा स्थिति रक्त बात करने का भी एक संकेत देती है। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 2023 में होने वाली जो प्रमुख घटनाएं हैं, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो उनसे जो घटनाओं में देखने को परिवर्तन मिलेगा, आज हम उसकी बात करेंगे। और 8 प्रकार की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनसे आपका जो जीवन है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, देश और दुनिया में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इन सभी की बात करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चैनल में कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें व्यक्त करें। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष राजा की पदवी बुध देव को प्राप्त होगी और मंत्री का स्थान शुक्र देव को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है, तो इन दोनों के बीच में मैत्री संबंध होता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बुध और शुक्र का, जब राजा और मंत्री का जो स्थान है वो काफी मैत्री होने की वजह से जो सत्ता पक्ष है यानी जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआत के जो जनवरी और फरवरी और मार्च की बात कर लें तो यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले जो समय है उसके बाद फिर ये उतार चढ़ाव उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी हद तक एक जो स्थिति है वो बहुत आसानी से जो सत्ता पक्ष है वो अपना कार्य करेगा और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। विश्व शांति के लिए ये वर्ष की बात करें तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। अब सत्ता पक्ष के लिए जरूर शुभ होने वाला है, लेकिन यदि विश्व शांति की बात करें तो विश्व शांति के लिए यह वर्ष शुभ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो सत्ता पक्ष है वो मजबूत होने वाला है, और जब भी सत्ता पक्ष मजबूत होता है तो एक वर्चस्व की लड़ाई पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल सकती है। एक जो जैसे शीत युद्ध चला था कुछ समय के लिए, वैसे ही ऐसा कोई युद्ध देखने को मिल सकता है। अब यदि बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि आप देखें तो जो इस वर्ष की कुंडली बनेगी वहां पर आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो शनि देव बनेंगे और वो अष्टम में बैठे होंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एक देश है, अगर देश और दुनिया की बात करें तो एक देश अपने पड़ोसी देशों से वहां पर जो स्थिति है वो किसी भी प्रकार से शांति की स्थिति नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर संबंध बिगड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और यदि देखें तो सिक्स लॉर्ड मंगल यानी जो छठे भाव के स्वामी है वो अपने से तीसरे भाव यानी आठवें घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यदि इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो मृत्युतुल्य कष्ट देने के स्थान में बैठे हुए हैं, तो मंगल की स्थिति रक्त बात करने का भी एक संकेत देती है। एक संकेत देती है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो विस्फोट है या भूकंप है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है उससे भी जो रक्तपात होने की संभावना है यहां पर दिखाई देती है। वो युद्ध हो सकता है या फिर प्राकृतिक आपदा हो सकती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो भी मंगल से ही प्रभावित होता है। मंगल ही अपनी सीमा पर संघर्ष का एक कारक बनेंगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित होने की संभावना आपको दिखाई दे सकती है। एक वर्चस्व की लड़ाई मैंने अभी बोली थी, वही वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है कि आप बड़े कि हम बड़े, इसका एक फैसला होने तक यहाँ पर यह स्थिति बन सकती है। जब तक ग्रहों की स्थितियां पुनः नहीं बदल जाती है तब तक आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। राजनीतिक अस्थिरता विश्व में देखने को मिलेगी, ये हमारा पांचवा पॉइंट है, जहां पर आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां पर कोई भी जो पार्टी है वो सत्ता में पूरी तरीके से न आ सके, या किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी निर्मित हो सकती है जहां पर आपको ये भी दिखाई दे कि जिस व्यक्ति को राजनीति के उच्च पद पे नहीं बैठना चाहिए वो व्यक्ति वहां जाकर के बैठ गया है। ऐसी स्थिति में प्रजा को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। छठे पॉइंट की बात करें तो बुध शनि से ग्रस्त है, अतः वो
उग्रवाद और आतंकवाद, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि रक्तपात होने की संभावना है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि शनि जब अपनी दृष्टि डालेंगे बुध पर, तो यहाँ पर इस जैसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना बिल्कुल दिखाई देती है। सातवें पॉइंट की बात करें तो मैं यहाँ पर भारत की ही बात करना चाहूंगा इस पॉइंट में, और भारत की बात करें तो विशेष प्रकार की कोई कानून व्यवस्था यहाँ पर लागू होने की संभावना दिखाई देती है। अपने इकोनॉमिक लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर भारत बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ेगा, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसका निर्माण हो चुका है, अब इसका जो प्रभाव है वो आपको 2023 और 24 में देखने को मिलेगा। आठवें पॉइंट की बात करें तो गुरु का राशि परिवर्तन, शनि देव का राशि परिवर्तन और राहु और केतु का राशि परिवर्तन एक नए आयाम का निर्माण करेगा, जहां पर आपको नए नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन जब होगा तो मंगल के घर में हो जाएंगे और मंगल के घर में बैठे हुए हैं राहु देव, तो यहां पर गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। केतु का राशि परिवर्तन और राहु का राशि परिवर्तन जब होगा तो राहु अपने से एक घर पीछे जाएंगे और अपने जो पाइसेस साइन है यानी गुरु के घर में ही वो प्रवेश करेंगे, और नेपच्यून और राहु का जब योग मिलेगा, सहयोग बनेगा, तो यहाँ पर एक जो मेडिकल के क्षेत्र में है आपको नए रिसर्च देखने को मिल सकते हैं, नए मशीनों का निर्माण आपको दिखाई देगा। अब यदि बात करें खेती और किसानी से जुड़ी हुई, तो अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य रहेगी, किंतु कुछ जगहों पर खासतौर से पश्चिमी भागों पर वहां पर वर्षा की कमी दिखाई दे सकती है। और यदि बात करें दक्षिण के उत्तर भाग में, तो यहां पर आपको अधिक वर्षा होने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे सकता है। तो मित्रों, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे 2023 में जो प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं और इनका आप सभी पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बाकी आपके अपनी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी वीडियो इस चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। चैनल पर बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया लाइक के रूप में दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ नए और कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।